नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा लेकर हाजिर हूँ इंदिरा गांधी की 100 दिलचस्प अनसुनी कहानियों का पार्ट 10वां पार्ट लेकर। और इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कैसे इंदिरा गांधी को उन्हीं की पार्टी कांग्रेस ने निकाल बाहर किया, और ये किस वजह से हुआ। उससे पहले के दो कहानियां उससे जुड़ी हुई बताएंगे, कैसे इंदिरा गांधी ने एक बड़ा आर्थिक फैसला लिया और उससे ठीक 3 दिन पहले अपने वित्त मंत्री को का इस्तीफा ले लिया। और दूसरी इससे जुड़ी घटना थी कि कैसे इंदिरा गांधी ने अपनी ही पार्टी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट, जो ऑफिशियल कैंडिडेट था, उसके खिलाफ एक निर्दलीय कैंडिडेट को समर्थन दिया और उसको राष्ट्रपति बनवाया। तो जब इतनी बातें हुई तो पार्टी से निकालना बनता है। लेकिन इसके साथ ये हम इन दोनों घटनाओं को पहले बताएंगे, पार्टी से निकालने की तीसरी स्टोरी बाद में बताएंगे, और इसके साथ एक चौथी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएंगे कि कैसे अमिताभ बच्चन और सोनिया गांधी धर्म के भाई बहन हैं। और ये कहानी बताने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं 66 में, जब इंदिरा गांधी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी, दूसरी बार 67 के चुनाव में। तब उनको एक मजबूरी में जो सिंडिकेट होता था, जो साउथ के जो नेता थे या जो बंगाल के थे, कुछ महाराष्ट्र के थे, जो गैर हिंदी भाषी राज्यों के कांग्रेस के नेता थे, और वो सिंडिकेट कहलाता था वो ग्रुप। उस सिंडिकेट ने कैसे इंदिरा गांधी को मजबूर किया कि उनके लोगों को मंत्रालय में लिया जाए, मोरारजी देसाई को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, मोरारजी देसाई को वित्त मंत्रालय दिया जाए। तो वो आए, उसके बाद लगातार ऐसा हुआ कि मोरारजी देसाई दिग्गज नेता थे, कई मुद्दों पर सिंडिकेट उन्हें बैक करता था और इंदिरा गांधी के अपोज में रहते थे। इंदिरा गांधी को एक ऐसे ही बड़ा फैसला लेना था नेशनलाइजेशन का, बैंकों के 14 जो निजी बैंक थे, उस वक्त तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केवल नेशनल बैंक था, तो वो उन 14 बैंकों को क्योंकि नेशनलाइज करना चाहती थी। और ऐसे में विरोध हो रहा था वित्त मंत्री की तरफ से। जब प्रस्ताव रखा, उन्होंने वित्त मंत्री का प्रभार मोरारजी देसाई पे था, उनसे प्रभार वापस ले लिया, वित्त मंत्रालय का प्रभार अब इंदिरा गांधी पे आ गया। तो ऐसे में उन्होंने वो फैसला लिया, मैं वही उस वक्त की ये आपको लाइन दिखा रहा हूँ, जिस 14 टॉप बैंक्स आर नॉमिनेशन, और इसके ऊपर आप देखेंगे दूसरा अखबार हिंदी का, जिसपे लिखा हुआ है श्री मोरारजी देसाई का इस्तीफा स्वीकृत। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर आज जेटली का इस्तीफा लेकर मोदी कोई बड़ा ऐलान कर देते हैं नोटबंदी जैसा, तो ये कितनी बड़ी खबर आपके लिए होगी। जो सोचिए उस वक्त कितनी बड़ी खबर होगी कि वो वित्त मंत्री से उन्होंने इस्तीफा लिया और यहाँ उन्होंने 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया। ये एक बड़ी वजह थी जो जिससे सिंडिकेट जो था, सिंडिकेट लिखा हुआ इसमें हेडलाइन भी है, सिंडिकेट नाराज हो गया। और ऐसी ही एक दूसरी खबर आपको बताना चाहेंगे, इनसे मिलिए नीलम संजीवा रेड्डी, जो बाद में प्रेसिडेंट बने, ये चरण सिंह को यहाँ प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिला रहे हैं। ये नीलम संजीवा रेड्डी नेहरू के करीबी थे और दिग्गज नेता थे, और नीलम संजीवा रेड्डी उस वक्त लोकसभा अध्यक्ष थे। सिंडिकेट ने ये प्रपोज किया कि जब बीच में जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे उनकी डेथ हो गई 2 साल बाद ही, तो इनका नाम प्रपोज किया कि लोकसभा अध्यक्ष से इनको सीधे राष्ट्रपति का कैंडिडेट खड़ा करते हैं, और प्रेशर बनाया इंदिरा गांधी पे कि वो इनका नॉमिनेशन खुद फाइल करें। तो ऐसे में इंदिरा गांधी ने एक चाल चली, 1969 का टाइम था, महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी का वर्ष था, तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की इच्छा थी कि कोई दलित इस पोजीशन पे पहुंचे, तो उन्होंने बाबू जगजीवन राम का नाम आगे बढ़ाया। लेकिन इसको सिंडिकेट ने खारिज किया और अपना कैंडिडेट वो खड़ा कर दिया। ये मैं तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं कि उसी वक्त एक कैंडिडेट थे, ये वी वी गिरी उस वक्त तक वाइस प्रेसिडेंट थे। वी वी गिरी ने निर्दलीय पर्चा भरा और वो खड़े हो गए, और निर्दलीय पर्चा भरा और खड़े हो गए। तो जब इंदिरा गांधी को ये मंजूर नहीं था कि उन्हीं की पार्टी के नेता उनका विरोध करें, तो उन्होंने बैक गेट से पहले वीवी गिरी को समर्थन दिया। लेकिन वहां पे जब राष्ट्रपति के चुनाव में सेकंड प्रीफरेंस पे वोट देना होता है, तो सीडी देशमुख एक और कैंडिडेट थे, जो सीडी देशमुख जो कैंडिडेट थे जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी समर्थित, तो सिंडिकेट ने ये कहा, सिंडिकेट जो कांग्रेस के नेताओं का गैर हिंदी भाषी जो ग्रुप था, उसने कहा कि आप अपना सेकंड प्रीफरेंस वोट सीडी देशमुख को दीजिए, कांग्रेस के जो विधायक थे, सांसद थे, जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले थे। तो इंदिरा गांधी को ये मौका मिला, उसने मुद्दा बना दिया, इस चुनाव को लेफ्ट वर्सेस राइट बना दिया, बोला कि हम जनसंघ के एक उम्मीदवार को कैसे सेकंड प्रीफरेंस वोट दे सकते हैं, और उन्हें खुल के एक तरह से अपने लोगों से कहा कि नहीं, आपको वोट नीलम संजीवा रेड्डी, जो कांग्रेस के ऑफिशियल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, उनको नहीं देना है। और इस तरह से वीवी गिरी को 163 फर्स्ट प्रीफरेंस में 163 कांग्रेस के सांसदों ने वोट दिया, 11 राज्यों में उन्हें बहुमत मिला, 12 में से जहां कांग्रेस की सरकार थी, सेकंड प्रीफरेंस वोट के आधार पे वो जीत गए, नीलम संजीवा रेड्डी हार गए। तो ये बड़ी बात हो गई,
कि कैसे कांग्रेस के नेताओं को दरकिनार करके अपने वित्त मंत्री का इस्तीफा लेकर 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया इंदिरा गांधी ने। दूसरा मुद्दा कि अपने सारे बड़े नेताओं का जो पार्टी प्रेसिडेंट थे निंजल गप्पा, उनको उनकी राय ना मान के वीवी गिरी जो निर्दलीय कैंडिडेट थे उसको सपोर्ट किया, उनको उम्मीदवार बनाया। ये जो तस्वीर है ये इसलिए खास है, इस तस्वीर में इन्हीं वीवी गिरी ने बाद में इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया। वो भारत रत्न देने की ये तस्वीर है कि बाद में इंदिरा गांधी लगातार कैसे अपने लोगों को आगे बढ़ाती थी। बीवी गुरु पे उन्होंने हाथ रखा, राष्ट्रपति बनाया। फखरुद्दीन अली अहमद कभी जूनियर मिनिस्टर हुआ करते थे उनको, और उनको राष्ट्रपति बनवाया जो बाद में इमरजेंसी के पेपर उन्होंने साइन किया था। तो ऐसे में आप जबकि दो बड़े फैसले हो गए, तो इंदिरा गांधी जो हमारी तीसरी कहानी है कि इंदिरा गांधी को पार्टी से कैसे निकाला गया, उसकी भूमिका यहीं से बंधी। दोनों तरफ के लोग लगातार, इंदिरा गांधी के जो लोग थे वो सिग्नेचर कैंपेन चलाने लगे अपने ही प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, निंजल गप्पा को सिग्नेचर कैंपेन चलने लगा। तो इंदिरा गांधी को पार्टी प्रेसिडेंट ने एक लेटर लिखा, ओपन लेटर। उस ओपन लेटर में कहा कि आप मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं, आपने इंटरनल जो डेमोक्रेसी है पार्टी की वो खत्म कर दी है। तो मैं उनका पार्टी प्रेसिडेंट जो निंजल गप्पा थे उनका एक तस्वीर जो आज की पीढ़ी शायद ना जानती हो, वो देख, ये थे मैसूर के चीफ मिनिस्टर रहे, काफी बड़े नामचीन बड़े नेता थे। ये जो बंदा है वो है, इसने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल बाहर किया। हुआ ये कि जब दोनों दो धड़े बन गए, इंदिरा गांधी के घर पे एक CWC की मीटिंग बुलाई गई, एक सफदरजंग रोड पे, एक जंतर मंतर रोड पे कांग्रेस का कार्यालय था उस वक्त, एक मीटिंग वहां बुलाई गई। इंदिरा गांधी की मीटिंग में 429 410 में से करीब 330 लोगों ने भाग लिया, और बाकी के कई लोग ऐसे भी थे जो दोनों तरफ गए। वहां ये फैसला किया निंजल गप्पा ने कि एक प्रस्ताव पारित किया कि इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया जाए, क्योंकि वो पार्टी प्रेसिडेंट्स के अपने कैंडिडेट के खिलाफ गई है। इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया। तब इंदिरा गांधी ने मीटिंग बुलाई अगले दिन ही, और उसके बाद तय हुआ दो पार्टियां बन गई, एक पार्टी कांग्रेस आर और जिसे कांग्रेस रिक्विशन कहा गया, जिसे कि नाम दिया गया, लोग ये भी कहते थे कांग्रेस रूलिंग है, और एक कांग्रेस ओ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें जो उस वक्त तक दो बैलों का जोड़ा कांग्रेस का होता था चुनाव चिन्ह, और जो इंदिरा गांधी को चुनाव चिन्ह मिला वो ये था, उनकी पार्टी को इसके ऊपर लिखा हुआ है वोट फॉर काफ एंड काउ फॉरगेट ऑल अदर्स, नाउ दूध पीता हुआ बछड़ा गाय के साथ, वोट कांग्रेस। ये इंदिरा गांधी को जब पार्टी से निकाल दिया गया तो इंदिरा गांधी ने अपनी नई पार्टी बनाई कांग्रेस आर करके, और इस तरह से इंदिरा गांधी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने सिंडिकेट के नेताओं को दरकिनार कर दिया, अब वो सब लोग उस पार्टी में चले गए जिन्हें मोरारजी देसाई, कामराज, एसके पाटिल, निंजल गप्पा, ढेर सारे लोग जो पुराने कांग्रेसी थे, और नई इंदिरा गांधी यहां शुरू हो गई। तो ऐसे में जो नए नेता जो उभर रहे थे, इंदिरा गांधी लगातार उन पे हाथ रख रही थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के चंद्रशेखर और मोहन धारिया और कृष्णकांत, इन तीनों को मिला के यंग तुर्क कहा जाता था। इन तीनों की वजह से हम चौथी स्टोरी बताएंगे कि इन तीनों ने प्रेशर बनाया, ये प्रस्ताव लेकर आए जिनका मोरारजी देसाई वगैरह लोगों ने विरोध किया, कैसे राजाओं को जो प्रिवी पर्स मिलता है। प्रिवी पर्स क्या होता है मैं ये बताता हूँ। प्रिवी पर्स उस वक्त जब सारी रियासतें शामिल हुई इंडियन गवर्नमेंट के साथ भारत में मिली जब, तो उनको कुछ अधिकार दिए गए प्रिवी पर्स के तहत, जैसे उन्हें कुछ हर रियासत को अलग अलग कुछ कुछ लाख रुपए मिलते थे सालाना, और उनको गन सैल्यूट कितनी मिलेगी और कई सुविधाएं मिलती थी। इसके खिलाफ इन तीनों नेताओं ने, मैं इसलिए वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये मोहन धारिया, चंद्रशेखर और कृष्णकांत इंदिरा गांधी के साथ, इन्हें यंग तुर्क कहा जाता था, और प्रिवी पर्स के खिलाफ इन्होंने चलाया, इंदिरा गांधी ने रखा भी बिल, और दो तिहाई दोनों सदनों में बहुमत चाहिए था जिसमें से राज्यसभा में नहीं मिल पाया। तो 71 में जब दोबारा इंदिरा गांधी की सरकार आई तब जाके इंदिरा गांधी ने ये पास किया बिल। तो ये जाता है चौथी हम जो हमारी जो स्टोरी है वो है राजीव गांधी और सोनिया गांधी और अमिताभ बच्चन का कनेक्शन। बेसिकली ये राजीव गांधी की शादी की तस्वीरें हैं। तो जब सोनिया गांधी 2 महीने पहले करीब दिल्ली में आई तो वो अपने घर में रहेंगी, उनका घर यहाँ था नहीं, तो तय हुआ कि इसको तेजी बच्चन और हरवंश राय बच्चन के साथ रहा जाए। अमिताभ बच्चन उस वक्त नौकरी करते थे कोलकाता में, राजीव गांधी के मित्र थे। तो तेजी बच्चन ने सोनिया गांधी को सारी चीज़ें सिखाई, साड़ी कैसे बांधी जाती है, मेकअप कैसे किया जाता है। लोग तो कहते हैं कि कन्यादान भी इन्होंने किया था, हालांकि मेहंदी सेरेमनी इनके यहाँ हुई, ढेर सारे फंक्शंस इनके यहाँ हुए इनके घर में, और उसके बाद जब शादी सफदरजंग रोड पर हुई तो ये
ये मैं दस द्वार से सोपान तक, ये हरवंश राय बच्चन की जो बायोग्राफी है उसका एक पार्ट है कि वो लिख रहे हैं 68 का आरंभ एक मंगल कार्य से हुआ। राजीव गांधी की मंगेतर सोनिया इटली से आई और हमारे घर में ठहराया गया। यहाँ रहते उसने भारतीय रहन सहन जीवन से कुछ परिचय प्राप्त किया और की आदमीतापूर्ण व्यवहार से सोनिया इतनी प्रभावित हुई कि उसने तेजी से धर्म की माँ और अमित बंटी, बंटी अजिताभ बच्चन को बोला जाता था, अमित बंटी से धर्म के भाई का नाता जोड़ लिया। तो ये बसंत पंचमी पे राजीव गांधी की सोनिया गांधी से शादी हुई थी। तो इस तरह से क्योंकि अभी हम आपको पॉलिटिकल तमाम सारी खबरें बता रहे थे, उन्हीं में मैंने ये पर्सनल खबरें जोड़ी कि जहाँ तमाम सारे पॉलिटिकल क्राइसिस इंदिरा गांधी के साथ चल रही थी, पार्टी से निकाला जा रहा था, नई पार्टी बनाई जा रही थी, उसी बीच में कहीं ना कहीं राजीव गांधी ने जब वो सोनिया गांधी के बारे में बताया, सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की, पता किया, उसके बाद उनको यहाँ रहने बुलाया, हरवंश राय बच्चन के घर में रुकी और हरवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन को उन्होंने धर्म के माँ बाप माना और अमिताभ बच्चन से कैसे धर्म के भाई का रिश्ता सोनिया गांधी से जुड़ा। आज वो परिवार, भले ही आज इतनी दूरियां हैं दोनों परिवारों में, लेकिन एक वो वक्त था जब सारी शादी की रस्में हरवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन ने सोनिया गांधी की निभाई थी। तो ये पांच कहानियां से आपको आज हमने सुनाई, ऐसी दिलचस्प कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा इंदिरा गांधी के 100वीं बर्थ एनिवर्सरी तक। ऐसी हम आप पांच कहानियां रोज आपके लिए लेके आते रहेंगे, देखते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।